Good morning, 7th class. I hope you all are fine and studying continuously. So students, in the previous class, we have discussed the chapter number 1, Nutrition of Plants, and also discussed some topics of this chapter. Now we are going to discuss the next and very important topic of this chapter, which is named as Importance of Photosynthesis. So students, in this topic we are going to discuss the importance of photosynthesis process. बच्चों, इस जो टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है हमारी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस की क्या क्या क्यों जरूरी है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, ये हमें इस टॉपिक में बताएंगे। सो डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज photosynthesis enables green plants to prepare their own food which they use for growth and survival. So ye point kya bol raha hai ki jo photosynthesis process hai wo enables karti hai green plants ki madad karti hai kya karne ke liye, to prepare their own food, apna khana khud banane ke liye, jis khane ko wo use karte hain, which they use for growth and survival, jo apne sharir ki vriddhi ke liye और जीवित रहने के लिए यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो ग्रीन प्लांट्स की मदद कर रही है खाना बनाने के लिए, जो वो यूज करने वाले हैं अपनी ग्रोथ में और जीवन के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें पता है, ये हम 6th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हम जो हैं फूड के लिए एनिमल्स पे और किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड हैं किस लिए, फूड प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, जो वो कहां से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इसलिए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी एनिमल्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है फ्रूट्स वगैरह के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह के लिए, और जो वो कहां से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसलिए ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, सभी जो एनिमल्स हैं वो निर्भर है प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, या तो सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि हमें भी फूड कहां से प्राप्त होगा, प्लांट से प्राप्त होगा, और वो कब प्राप्त होगा, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि ऑक्सीजन है वो किसी भी जीवित जीव के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है, ठीक है। उसके बिना कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, चाहे हम है या कोई एनिमल है, कोई भी है, वो बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह पाएगा। और वो कहां से प्रोड्यूस होती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। देखो, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त निकलती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, जब जो है पेड़ पौधे जो हैं वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O जिसको बोलते हैं, जब सनलाइट के, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो अपना भोजन तैयार करते हैं इन दोनों को मिला करके, तो क्या बनता है उनका, फूड बनता है, जिसको हम किसमें बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, क्या बनता है उनका, ग्लूकोज बनता है, प्लस में क्या रिलीज होती है, ऑटो रिलीज होती है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन रिलीज और प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2। यहां से देखो, जो पेड़ पौधे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा CO2 को अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को। ऐसे ही पेड़ पौधे जब इनहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन O2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ती है और ना ही ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन कौन ले जा सकता है, ऑक्सीजन को कौन यूज कर लेता है, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यूज कर लेते हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेंटेन करती है, दिस प्रोसेस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2। दिस प्रोसेस मेंटेन्स, वो मेंटेन्स करती है बैलेंस को किसके, O2 एंड CO2 के इन द नेचर। हेंस फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है स्टूडेंट्स, अभी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जाना। ठीक है, कि क्यों हमारे लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जरूरी है, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, वो प्लांट्स जो अपने आप ही, ऐसा न्यूट्रिशन मतलब जो प्लांट्स खुद ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपना नरिशमेंट करते हैं, अपना भोजन फूड तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वो कौन करता था, ग्रीन प्लांट्स करते थे, हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरो का मीनिंग होता है डिफरेंट और ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग। जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपनी फीडिंग करते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं, वो सभी प्लांट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो पहले डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह न्यूट्रिशन पोषण का एक तरीका है, इन विच जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर द ऑन फूड, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, एंड डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो सीधे या प्रत्यक्ष रूप से फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए। सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, उनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को, पौधों को हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, दैट कि दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, their own food and depend on green plants for their nutrition directly or indirectly। ठीक है, तो ये था definition, और उन organisms को जो इस process से अपना nutrition करते हैं उनको क्या बोला जाता है, heterotrophs। ठीक है, और ऐसे plants जो इस process का use करते हैं अपने nutrition के लिए उनको बोला जाता है heterotrophic plants। ठीक है, तो बच्चों हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, वैसे ही नाम से ही पता चलता है कि हेटरो क्या होता है, डिफरेंट, हेटरो क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉफिक क्या होता है, फीडिंग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार से जो अपने फीडिंग करते हैं वो प्लांट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब कैसे कैसे वो किन किन मेथड से अपनी फीडिंग करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे इसके पार्ट के अंदर। इसके जो टाइप्स हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के, वो फोर टाइप्स हैं। पहला है हमारा पैरासाइटिक, फिर है हमारा सैप्रोफाइटिक, उसके बाद है हमारा इंसेक्टिवोरस, उसके बाद है हमारा क्या, सिम्बायोटिक। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इन पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में, एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, इनको हम हिंदी में परजीवी भी बोलते हैं। और पैरासाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर, जो किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, और क्या करते हैं, उनसे ही अपनी, उनकी फोटोसिंथेसिस, उनके फूड को शेयर करते हैं, अपना
खाना खाने के लिए, उनसे ही उनकी उनसे ही प्राप्त करते हैं अपना फूड, ठीक है, ग्रीन प्लांट से, वो आते हैं पैरासाइटिक कैटेगरी में, ठीक है। जैसे हमारी अमर बेल होती है, कसकटा जिसको बोला जाता है, अमर बेल, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। अमर बेल क्या करती है, किसी दूसरे क्या करती है, ग्रीन प्लांट के ऊपर स्टे करती है, जिससे वो अपना जो फूड है वो कहां से प्राप्त कर सके, अपना न्यूट्रिशन कहां से कर सके, उस ग्रीन प्लांट के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो अपना फूड कहां से प्राप्त करते हैं, जो हमारा जो वेरियस जो अलग पेड़ पौधे हैं उनके जो डेड सेल्स होती हैं उनसे, जो उनके डीके होता है डेड सेल्स का, ठीक है, जो प्लांट्स की, ठीक है, मतलब जो टूट फूट जाती हैं सेल्स दूसरे प्लांट्स की, उनसे प्राप्त करते हैं ये, ठीक है। मशरूम इसी प्रजाति का एक प्लांट है, ठीक है, मशरूम इसी के अंदर आता है और ये आपकी, ठीक है, काई सवाल। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट आ जाता है इंसेक्टिवोरियस, ठीक है। इंसेक्टिवोरियस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इंसेक्ट से लेना देना है इसका, ठीक है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना शिकार किसी इंसेक्ट को बना लेते हैं, किसी ना किसी इंसेक्ट को, किसी जो इंसेक्ट क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है, कीट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंसेक्ट बोला जाता है। और इंसेक्ट और जो हमारी स्पाइडर्स होते हैं, जो मकड़ियां होती हैं, इनको भी अपना शिकार बनाते हैं ये, ठीक है। और उनकी स्पेसिफिक शेप होती है इन प्लांट्स की, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने शिकार को अपना शिकार बना लेते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये दो प्लांट्स होते हैं, जो दो प्लांट्स होते हैं वो इकट्ठे ही सर्वाइव करते हैं, इकट्ठे ही अपना भोजन बनाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। दोनों एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, दोनों एक साथ ही अपना क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। सो क्विकली देख लेते हैं एक बार फिर से, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो अपने वो जीव, वो जंतु जो अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद से खाना नहीं बना सकते और डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को। और उन जंतुओं को क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है, और उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, ठीक है। और इसके आगे हेटरोट्रॉफिक्स का मतलब होता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग, ठीक है। और डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग के अकॉर्डिंग उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पैरासाइटिक प्लांट्स, परजीवी जो दूसरे के ऊपर, दूसरे किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट फिर सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो डेड सेल्स को, दूसरे प्लांट्स की डेड सेल्स को क्या करते हैं, अपना खाने के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया इंसेक्टिवोरियस, जो इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाते हैं और उससे न्यूट्रिशन करते हैं। और फोर्थ हमारा आ गया है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है, जो इकट्ठे एक साथ रहते हैं और एक साथ ही अपना एक दूसरे से फीडिंग प्राप्त करते हैं और न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स सेपरेटली, ठीक है, एंड ब्रीफली, ठीक है। अच्छे से हम करेंगे हर एक टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स को, ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं। सो थैंक यू।